नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। और व्यापारियों के मसीहा और व्यापारियों की आन बान और शान के मालिक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप अग्रवाल सोनी फूड सेफ्टी से यहाँ पे देखा रहा है कि कचरी वालों के यहाँ पहुंच गए और घी तेल वालों के यहाँ पहुंच गए। मेरे यहाँ भी दो तीन साल पहले लगभग चूहे के लड्डू के पैकेट, कोटू के आटे के पैकेट, सारे पैकेट उन्होंने जो है अपने थैले में भर के पूरी कार्रवाई उन्होंने कर दी थी। जब से मेजर करने का नंबर आया तो भाई साहब ने मुझे फोन किया कि आटे का सैंपल भरना है आपको, तो एक पैकेट का भरो। उन्होंने कम से कम 10-15 पैकेट कोटू के आटे का भर लिए, 10-15 पैकेट लड्डू के भर लिए, पूरे घर का उन्होंने इंतजाम कर लिया क्योंकि 9 दिन का ये प्रोग्राम होता है। उन्होंने सोचा कहाँ बाजार से खरीद करेंगे, ये सतराजी की दुकान थी, पहले उन्होंने भर ली। ये सामान जो है मेरी सतराज से नहीं आया है, तो ये सामान को मैं पैसे देकर खरीद के लाया हूँ और आपने इतने इतने पैकेट भर लिए। मैंने फौरन ही जो है फोन मिला के कोनी भाई को फोन मिलाया और कोनी भाई निकाल कर मेरी बात कर रहा था। अब उनकी एक आपस में बातचीत हो रही थी, हमारी सुनाई आ नहीं रही थी क्या बात हुई थी, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती गई कोटू के आटे पैकेट कौन से रखते गए निकाल निकाल के और लड्डू के पैकेट भी रखते गए। बोले भाई सरदार जी, जब आप इतनी पहुंच वाले आप तो हम जो इतनी कार्रवाई हमने आधा घंटा के ऐसे मजबूत और समर्पित कार्यकर्तागण जो आज इमरजेंसी कॉल करी गई थी रात, और इमरजेंसी कॉल में आज हमारे सारे साथी एक आवाज तो उपस्थित हैं। हमारी तरह आज इतनी नहीं बुलाई गई थी कि पहले आज एक हमारी फाइनेंस में मीटिंग हो जाए। साथियों, एक मिशन एक आवाज़ है हमारी कि आम जनता व्यापारी समाज की ताकत और धमक का नाम व्यापार मंडल है। हम लोग बेरौस बिना किसी हराम के, बिना किसी लालच के व्यापारी समाज की सेवा के लिए, जनता की भलाई के लिए मिशन चलाते हैं। और हमारा ये मानना है इस कार्यालय में चाहे वो रिक्शा वाला आएगा उसकी भी सुनवाई होगी, कोई माता बहने आएंगी उनका अगर राशन कार्ड में भी दिक्कत आएगी तो वो भी व्यापार मंडल उसकी सेवा करेगा। और हमारा व्यापारी तो हमारा सबसे बड़ा अजीज है, चाहे वो कचरी का इंडस्ट्री का मालिक हो, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री का मालिक हो, चाहे वो परचून का छोटा सा दुकानदार हो, चाहे वो हमारे स्टील के व्यापारी हो, अगर उनकी कोई समस्या आएगी तो उसके लिए व्यापार मंडल प्रतिबद्ध है, इस बात के लिए वचनबद्ध है। अगर उनकी इज्जत पे आ जाएगी तो व्यापार मंडल ईट से ईट बचा देगा। व्यापार मंडल व्यापारी समाज को आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का मामला हो, कांटा वाइप का मामला हो, और चाहे वो फूड सेफ्टी हो, कांटा पार्ट हो, सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, हाइडल हो, जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी ये व्यापार मंडल को संगठन है जो पूरी ताकत के साथ पूरे जनपद के। क्या मामला है सर? आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यालय पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिस प्रकार से जागृति की गई इस मामले को लेकर के बैठक आयोजित की गई है। व्यापारियों ने अवगत कराया कि फूड सैंपलिंग के मामले में व्यापारियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म जागृति की जा रही है। दुकानदारों से 2,000-5,000 रुपये की उगाही की जा रही है, दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है। साथ ही जानकारी प्राप्त हो रही है कि लाइसेंसिंग के नाम पर व्यापारी के साथ तमाम नियम शर्तें लाद दी गई हैं, जिससे व्यापारी तमाम तरीके से उलझन फंस गया है। ऐसी स्थिति में व्यापारी कारोबार बंद करके बैठने को तैयार है, बेरोजगारी बढ़ गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की इतनी नियम और शर्तें इतनी जाती हैं, इस जाती को देखते हुए खाद्य के व्यापारी आज खाद का व्यापार बंद करके अन्य कामों में डटने को तैयार हैं, व्यापार छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन व्यापार करने को तैयार नहीं है। उनके दिमाग में इतना खौफ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का, उतनी ज़्यादा खौफ, इतना ज़्यादा टेरर बैठ चुका है उनके दिमाग में कि वो आज फूड सेफ्टी से संबंधित कोई भी व्यापार करने को तैयार नहीं है, जिससे बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। इस मामले को देखते हुए हमारे आज व्यापार मंडल की बैठक आयोजित हुई है। जल्दी ही हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो हम अधिकारी हैं खाद्य सुरक्षा के डीओ उनसे मुलाकात करेगा, जो चीफ है उनको अवगत कराएगा। उसके बाद में एक बहुत बड़ा तादाद में, बहुत बड़ी हजारों की तादाद में कार्यक्रम होगा, जो ज्ञापन का व्यापार मंडल का कार्यक्रम होगा, उसकी शुरुआत की तैयारी की जाए।